ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम देश की बात में। और आज हम देश की बात कर रहे हैं बीजेपी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला जी के साथ। नजमा जी, आपने अभी ब्रेक पर जाने से पहले बहुत अच्छी बात कही थी कि सब सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो मौजूदा सरकार, जिसको कि अब 2 साल होने वाले हैं, ये कहा जाता है कि आप बड़े बड़े वादे किए थे, सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आएंगे, तो क्या जिस तरह का बवाल देश में मचा हुआ है, 2-3 महीने बाद कोई ना कोई बवाल शुरू हो जाता है, क्या यही अच्छे दिन है? देखिए, अच्छे दिन तो आ रहे हैं। अगर आप पिछड़ापन देखें, अगर बरसों का पिछड़ापन है तो उसको दूर करने में वक्त तो लगता है। तो कोई ये कहे कि कोई टेलीविजन के चैनल की तरह अच्छा दिन आ जाएगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। यकीनन उसके रास्ते पे अगर हम चल रहे हैं तो एक ना एक दिन तो हम पहुंच ही जाएंगे, और जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि कोशिश तो यही है हमारी। अभी 1.5 साल हुआ है। मैं अपने मंत्रालय के बारे में बात करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि जो कॉन्ट्रोवर्सीज उठती हैं, मैं उसमें अपना वक्त बर्बाद नहीं करती, क्योंकि कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं समाज में कि जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं ताकि हमारा उधर ध्यान चला जाए और हम अपने काम को ना कर सकें। इसलिए पिछले 1.5 साल में जितनी भी कंट्रोवर्सीज हुई, उसमें मैंने अपने को उलझाया नहीं। इसलिए कि मेरी एक जिम्मेदारी है, मुझे नरेंद्र मोदी जी ने एक जिम्मेदारी दी है अल्पसंख्यक की, वो बहुत एक चैलेंज है, क्योंकि 67 साल का पिछड़ापन मुझे दूर करना है। आपको सुन के खुशी होगी कि हम 86 लाख बच्चों को प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप देते हैं, और तो मुझे उन 86 लाख बच्चों की ज़्यादा फिक्र है कि उनके हक का हनन नहीं हो, उनके हक की पूरी तरीके से मैं ईमानदारी से पहुंचा सकूं। तो उन्होंने गुड गवर्नेंस की बात की, हम उसको अप्लाई कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर सकें। दूसरी चीज़ है कि मैंने सोचा है कि जो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अपने पाँव पे खड़े हो, सबका विकास हो, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम उन्हें स्किल डेवलपमेंट कराएं। प्रधानमंत्री ने नया महकमा भी स्किल डेवलपमेंट का शुरू किया है, तो उसके लिए मदरसों के बच्चों को 20,000 बच्चे, ये अगस्त में मैंने इसकी शुरुआत की थी, आज तक 20,000 बच्चे इस प्रोसेस में हैं कि वो स्किल डेवलप्ड हो जाएं, अपने आप अपना कुछ कारोबार शुरू करना चाहें तो हम उन्हें लोन दे सकते हैं, और अगर वो खुद अपना कहीं नौकरी ढूंढ सकते हैं तो वो नौकरी ढूंढ लें, और ये एरिया स्पेसिफिक स्किल डेवलपमेंट हम करते हैं। सबसे बड़ा फोकस जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है, वो एजुकेशन पे, और मैं खुश हूँ कि मुझे ये दिया गया। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री जी ने एक वादा किया था कि मुझे हमें देश में ऐसे मुसलमान चाहिए जिनके एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में लैपटॉप या टैबलेट हो, तो क्या उस डायरेक्शन में कोई कदम बढ़ाया गया? बिल्कुल। आज जब मैंने मानस मौलाना आज़ाद नेशनल एकेडमी फॉर स्किल का इनॉग्रेशन किया नवंबर 2014 में, तो मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, मैं एक हाथ में औजार और दूसरे हाथ में कलम दे रही हूँ, कि तुम या तो कलम से अपनी ज़िंदगी गुजारो या तुम औजार के ज़रिए अपनी, कंप्यूटर भी औजार ही है, एक इंस्ट्रूमेंट है। हम कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं बच्चों को, और एक बड़ी अच्छी तस्वीर है किसी ने मेरी खींची थी, हमने भिवंडी के, हमने भांडूप के अंदर एक मदरसे के अंदर स्किल डेवलपमेंट का सेंटर खोला, बहुत गरीब इलाके में, तो वहाँ बच्चे के टेबल पे कुरान शरीफ भी रखे और मैं उन्हें कंप्यूटर चलाना सिखा रही हूँ। तो वो नरेंद्र मोदी जी की बात सही हो गई। देखिए, आज ज़रूरत है एम्पावर करने की। अगर हम सबको अपने पाँव पे खड़ा कर देंगे तो मैं समझती हूँ तभी सबका साथ सबका विकास हो सके। जो आपने कहा कि हमने कंप्यूटर की एजुकेशन मदरसे में शुरू की, कुरान एक टेबल पे, एक तरफ कुरान है एक तरफ कंप्यूटर है, तो इस प्रोग्राम को लॉन्च करने में, लोगों तक पहुँचाने में किस तरह की दिक्कत सामने आ रही है? क्योंकि हमारे समाज के अंदर एक बड़ा तबका है जो नहीं चाहता कि हमारे जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर, जो कुरान मदरसा खासकर है, कि उनका मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ है,
उनके कंप्यूटराइजेशन के खिलाफ है, तो उनसे आप उन चैलेंज से कैसे निपटेंगे, आप कैसे निपटेंगे? मुझे तो कोई चैलेंज नहीं हुआ, हो सकता है कि ये सोच भी गलत हो, क्योंकि मैं तो जिस मदरसे अभी मैं कश्मीर में 3 मदरसों में मैंने खोला, अब -2 टेम्परेचर में 1,000 बच्चियाँ आईं जिनको हमने सिखाया। अब मैं असम गई थी, 7 मदरसों में मैंने वहाँ खोला, पटना में 3 मदरसों के अंदर, पटना बिहार के अंदर मोतिहारी में राधा मोहन सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मदरसे और 1 पटना में। अब मैं लखनऊ जा रही हूँ, उसके बाद मैं बनारस जा रही हूँ, फिर मैं और भी जगह पर, बम्बई में हमने खोला, हमें कोई दिक्कत नहीं आई। ये एक गलत सोच है, हम उनके पढ़ा जो वो अपना निसाब पढ़ाते हैं, जो उनका करिकुलम है, हम उसमें दखल नहीं देते। हम सिर्फ उनके बच्चे, क्योंकि वो तो मेरी मिनिस्ट्री में आते, HRD में आते हैं, मदरसे बच्चे मेरी मिनिस्ट्री में आते हैं, उन बच्चों को हम स्किल डेवलप करते हैं, उनके माँ बाप खुश हैं, बच्चे खुश हैं। उनकी पटना के अंदर उनकी माओं से पूछा कि तुम्हारे बच्चे ये सीख रहे हैं, तो उन्होंने कहा लड़कियां और लड़के दोनों खुश हैं, क्योंकि लड़कियों को भी हम कंप्यूटर सिखाते हैं साथ साथ में। दूसरी चीज़ जो मेरा एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, उसका नाम है हमारी धरोहर, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में है कि जो 6 माइनॉरिटीज़ हैं नोटिफाइड मेरी मिनिस्ट्री में, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, उनकी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को संभाल के रखना और आगे बढ़ाना। उसके लिए पिछली बजट के अंदर अनाउंसमेंट हुआ था एवरलास्टिंग फ्लेम, एक पारसी लोग की एग्जीबिशन करना। पारसी बहुत कम है तादाद में, मगर उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है मुल्क में, चाहे वो दादा भाई नौरोजी हों, चाहे टाटा हों, इन लोगों ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन किया है हर एरिया में। तो उनकी एक एग्जीबिशन 19 फरवरी को लग रही है। तो जितने 2 कमिटमेंट हमारे मंत्रालय ने लोगों से किए थे पिछले बजट में, वो हमने पूरे कर दिए। नई मंजिल के ज़रिए हमने मदरसों के बच्चों को स्किल ट्रेनिंग दी, और ये जो हमारी धरोहर के अंतर्गत, उसके अंदर हमने स्किल, ये एवरलास्टिंग फ्लेम की एग्जीबिशन करी। इसके अलावा संस्कृत हमारे देश की एक प्राचीन भाषा है। संस्कृत आई थी, इसका बड़ी हिस्ट्री है। संस्कृत और अवस्था जो अब बोली नहीं जाती है, जो पारसी लोग जो बोलते थे, उसमें बहुत कॉमनैलिटी है। तो मैं अपने मंत्रालय से उस पर भी रिसर्च कर रही हूँ कि दोनों का ओरिजिन क्या है। तो ये भी हमारी एक धरोहर में ही आता है। इसी तरह हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है दारतुल मारिफ, वहाँ पर बहुत अरबिक के मैन्युस्क्रिप्ट हैं, उन्हें मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ इंग्लिश में, ताकि जो 9th सेंचुरी 10th सेंचुरी की हमारी देश की नॉलेज है, जो हमारी विरासत है, उसको मैं ऐसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूँ ताकि वो आम लोगों तक पहुँच सके। तो मेरा पूरा मकसद ये है, नरेंद्र मोदी जी का जो प्रोग्राम है उसके ज़रिए विकास का प्रोग्राम, सबका साथ सबका विकास, और हमारे कल्चरल आइडेंटिटीज़ को कायम रखना। क्योंकि मैं समझती हूँ, और ये चीज़ मौलाना साहब के ज़माने से मैंने विरासत में पाई है, कि हमारे पास इतनी विरासत है, नालंदा और तक्षशिला जैसी हमारी विरासत है, कि दुनिया से लोग इल्म हासिल करने हिंदुस्तान आते थे। तो हम उसी विरासत को आगे ले जाके और फख्र करें कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि किस तरह से मिनिस्ट्री इस देश के विकास में योगदान दे रही है, खासकर उस तबके के लोगों को जो माइनॉरिटी से आते हैं और कहीं ना कहीं गरीब भी हैं, अंडर प्रिविलेज लोग हैं। बहरहाल आपकी मिनिस्ट्री के कामकाज, सरकार और देश के राजनीतिक हालात पर हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त को चलाया छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं और नजमा जी के साथ इस दिलचस्प बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।